भाई कब से बैठे हैं आप? हो गया एक घंटा होने वाला है यहाँ पे बैठे बैठे एक घंटा होने वाला बस बस क्या करे रशीद है ना, आपने इतनी अच्छी अच्छी डीलें निकालते हैं कि पेट्रोल वाला खुद परेशान हो जाता है, कस्टमरों को डील कैसे करूं। यहाँ पे आने का सबसे बड़ा मकसद आप खुद हैं, ये आप लेके आते हैं खींच खींच के, और खींच के लाने के बाद अभी मैं इनसे चक्कर में हूँ कि इनसे मैं पैसे लूंगा दो कैन के, इन्होंने मुझे दो कैन खत्म करवाए। ब्रेकिंग न्यूज दे दूं आपको, गौर से सुनिएगा ये खबर कि इस वक्त जो है दो कैन वाली जो पूरी डील थी उसमें दो कैन रिमूव हो चुके हैं। लेकिन जो बाकी सारी चीजें आपने दिखाई थी वीडियो के अंदर वो एक्यूरेट मिली है, और एनवायरमेंट भी वैसे ही है, और ये की टेस्ट भी और फ्रेशनेस जो है ना वो चीज बता रही है कि ठीक है। लेकिन ये है कि हाँ पिज्जा जो है ना इनका वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है यहाँ पे? जी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। लेके आते हैं आउटिंग पे? जी लाते तो हैं काफी, बता दें जी आपकी वीडियो देखकर ही यहाँ पर आए, मैं तो सरप्राइज हो गई, हमने कहा एकदम कल आपने देखी वीडियो और एकदम यहाँ पर। तो देखती आंखों और सुनते कानों को एक बार फिर से अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान शफीक आपका होस्ट, और आज मैं इतनी पोलाइट इसलिए बोल रहा हूं अभी क्योंकि मैं आज आया हूं यहां पे एक बार फिर से बल्कि रेस्टोरेंट पे। कुछ कंप्लेंट्स आई थी, कुछ दोस्त हमारे भाई जो थे वो नाराज़ हो रहे थे कि भाई डील तो आ गई है लेकिन डील के अलावा कुछ इशूज़ आ रहे हैं कि डील प्रॉपर नहीं आ रही है या डील जो है वो लेट हो रही है। तो देखने आए कि वाकई में ये बात सही है कि डील मिल रही है या नहीं मिल रही है, इस बात को जानने के लिए यहाँ पे हम मौजूद हैं एक बार फिर से बल्कि रेस्टोरेंट, आप देख सकते हैं। और माशाल्लाह से यहाँ पे इस वक्त जो एक बाहर का अगर आप देखें, दिखा दीजिए, इस वक्त काफ़ी सारी बाइक्स यहाँ पे खड़ी हुई नज़र आ रही हैं, कुछ कार खड़ी हुई नज़र आ रही हैं, और उल्टे हाथ पे भी जो है ऐसे ही चल रहा है, और एक क्यू जो है बाहर ही मुझे अच्छा खासा, जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे तो उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब जो है वो शायद कराची वालों ने बहुत सीरियस दिया इस चीज़ को, यहाँ पे लोग मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या वाकई में ऐसा है। तो एक छापामार की तरह से हो गया, छापामार टीम बन गए आज हम, और हमने बोला कि चलें देखते हैं अपनी बनाई हुई वीडियो पे दोबारा से जाना चाहिए, तो यही चीज़ देखने के लिए कि वाकई में वो चीज़ मिल रही है नहीं मिल रही, तो आज हम छापा मार रहे हैं, और कोई टीम तो नहीं है हमारे साथ, हम अकेले खड़े हैं, तो आपको दिखाते हैं क्या हो रहा है, आइए साथ साथ चलते हैं, और डायरेक्ट चलते चलते आपको दिखा देता हूँ कि क्या हो रहा है इस वक्त। अच्छा ये किचन की सूरत हाल है, और वहाँ के देख लें इस वक्त जो है बॉसेस वहाँ पे खड़े हैं, इनसे भी बात करेंगे। उसके अलावा इस वक्त जो एक व्यू है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है माशाल्लाह से काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, और फैमिलीज भी बैठी हैं, उनसे ही बात करेंगे क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा, काफ़ी सारी फैमिलीज यहाँ पे बैठी हैं और काफ़ी सन्नाटे में बैठी हैं, एटलीस्ट कि अभी तक कुछ खाने को मिला नहीं है, खाने को अभी तक आए नहीं है, तो बात करेंगे क्या हो रहा है, वाकई में अभी तक कुछ खाने को मिला नहीं है या मिलने वाला है, क्या होने वाला है, तो लोगों से पूछते हैं जानते हैं देखते हैं क्या होता है, आइए। अच्छा एक बहुत प्यारी है, बहुत ज़बरदस्त फैमिली यहाँ पे मौजूद है, और गुस्से में होना चाहिए लेकिन बड़े प्यारे मूड में बैठे हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे। माशाल्लाह कितनी देर से वेट कर रहे हैं? हमें मेरे ख्याल 20 मिनट हो गए हैं एटलीस्ट। हाँ 20 मिनट तो ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी तो एक घंटा और बैठना है माशाल्लाह। इसका मतलब है यहाँ का टेस्ट वाकई अच्छा। मैं खैर यस्टरडे भी आया था यहाँ पे, और फिर मैं इसलिए आज अपनी फैमिली को भी लेकर आया हूँ कि मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैं कल पार्सल भी ले गया था तो बहुत पसंद किया फैमिली ने, माशाल्लाह मेरी बेटी ने बहुत पसंद किया, वाइफ ने, तो फिर मैंने कहा चलें इसलिए आज इन सबको ले आया। चलें सबसे बात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि आप यहाँ पे आज फर्स्ट टाइम आई, कैसा लग रहा है पहले तो ये बताएं। अच्छा लग रहा है, एम्बियंस एक्चुअली बहुत अच्छा है, रिलैक्स्ड फील हो रहा है, और मेरे ख्याल से इसी वजह से ज्यादा लोग जो है। मैंने डायलॉग दिया था वीडियो में, पुरसुकून माहौल, खुली फिजा, वो अच्छा था। बिल्कुल। आपने फूड ट्राई किया, कैसा लगा? मजे का था, हम लोग ने सबने साथ ही खाया। क्या चीज बहुत अच्छी लगी? हमें पिज्जा अच्छा लगा था, जबकि हमने साथ में सैंडविच और बर्गर भी खाया था। कैसा लगा था आपको जो मैक्सिकन सैंडविच था? मजे का था, इट वाज डिफरेंट, टेस्ट काफी अच्छा था, जिंगर वगैरह भी अच्छा था। जी अच्छा था, फूड टेस्टी था। ठीक है फिर तो आप एक घंटा बैठे कोई सी बात नहीं। पहले तो ये बताओ कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र आप सुना। फैमिली के साथ बैठे हैं, एक बड़ा अच्छा लगता है कभी कभी यार फैमिली के साथ बंदा बैठा होता है। नहीं नहीं बिल्कुल, जो बात है कि एक तरह से क्या कहते हैं फैमिली टाइम हो जाता है, आप कहीं भी आउटिंग पे जाओ, डिनर पे जाओ, इट्स लाइक यू नो। मुश्किल होता है आजकल की इस टेक्नोलॉजी वाले दौर में, हम जो है मोबाइल लेके बैठे होते हैं, भाई को दिखाते हैं तो बहुत होता है कि चलो यार अच्छा है, पूरी फैमिली एक साथ एक जगह पे होके बैठ जाती है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो वो चीज़ अभी हो रही है आपकी। वैसे ऑर्डर आपका कितना ऑर्डर कितना है आपका, कितना लगा है? हमारे लाइक थ्री डील्स हैं। थ्री डील्स हैं तो आराम से एक डेढ़ घंटे की वेटिंग तो है। इस बार भाई ने खुद बोल दिया, उनको पता है बार बार बोल रहा है यही बोलेगा। अच्छा ये भी बैठे हैं यहाँ पे, भाई आप क्या करते हो, स्टडी वगैरह करते हो? कौन सी क्लास में? मैट्रिक। तो कैसे 9 के पेपर कैसे गए? 9 के अच्छे गए। नहीं अच्छा आएगा भाई, फुल चीटिंग हो रही है आजकल।
ऐसा मैंने सुना है, ऐसा मैंने सुना है, मैं खुद नहीं कह रहा, ऐसा मैंने सुना है भाई। अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ जो है वो शहजादा मौजूद हैं, जो कि माशाल्लाह सब देख रहे होते हैं। जल्दी जल्दी बात करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम डियर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 14 अगस्त को इस डील को एंड कर रहे हैं, और सेकेंडली रीज़न ये है कि हमने इस पर टेक अवे और डिलीवरीज रोक दी क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है जिसको हम शायद कंटिन्यू नहीं कर सकें, तो दैट्स द रीज़न। और इसमें हमने ड्रिंक रिमूव कर दी थी, हर कस्टमर को हमने पहले से इन्फॉर्म किया है, इवन जो भी हमें इंक्वायरी आती है और इससे पहले भी ऑर्डर है उसको पहले से, मतलब डाइनिंग है और डिलीवरी, डाइनिंग है और डाइनिंग पे भी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर कोई कस्टमर जो है वो 3 ऑर्डर्स एट अ टाइम देता है तो जो उसके साथ सेकंड कस्टमर आया वो ऑलरेडी 4th हो जाता है। तो ये चीज़ थी कि भाई यहाँ पे जो है वो इस वक्त डाइनिंग का एक इशू, डाइनिंग ही यहाँ पे चल रही है, उसके अलावा जो है वो कुछ और नहीं हो पा रहा है, वो आपको दिखा दिया गया है, बता दिया गया है। बाकी और क्या चल रहा है, लोगों से और मजीद जान लेते हैं, देखते क्या होता है। कैसे हैं भाई आप? ठीक, अल्लाह शुक्र, ठीक ठाक। कितना टाइम हो गया वेट करते हुए? 15-20 मिनट। 20 मिनट हो गए, चलें फिर तो इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएगी डील आपको। और कैसा लग रहा है आपको, माहौल कैसा है? माहौल काफी पुरसकून है और एक अच्छा एनवायरमेंट है, फैमिली के लिए आज से बहुत अच्छा है। तो आप फैमिली के साथ ही हैं? जी जी, फैमिली के साथ आया। कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है यहाँ पे? जी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। लेके आते हैं आउटिंग पे? जी लाते तो हैं काफी। बता दें जी, आपकी वीडियो देखकर ही यहाँ पर आए, मैं तो सरप्राइज हो गई, हमने कहा एकदम कल आपने देखी वीडियो और एकदम यहाँ पे आप लोगों से मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है आप लोग मिल जाते हैं ऐसे ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितनी देर में मिला है आपको? सर मिला तो थोड़ी देर में, लेकिन ये कि सबर का फल मीठा मिला, मतलब कह लें, मतलब ये जो एक्सपेक्टेशन थी उतना मिला है। हाँ, ये नहीं हुआ कि वीडियो में कुछ था और रियल में कुछ, ये बड़ी अच्छी बात। वेट करने का खैर नुकसान नहीं हुआ, ये अच्छा हो गया एटलीस्ट। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक वगैरह थी? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक अभी आई थी, उन्होंने नहीं दी कोल्ड ड्रिंक, नहीं दी बोले वो, हमने एक्सक्लूड कर दी है और मेरे ख्याल से शायद बजटिंग में नहीं आ रही होगी डेफिनेटली। लेकिन जो बाकी सारी चीजें आपने दिखाई थी वीडियो के अंदर वो एक्यूरेट मिली है, और एनवायरमेंट भी सही है, और ये कि टेस्ट भी और फ्रेशनेस जो है ना वो चीज बता रही है कि ठीक है। लेकिन ये है कि हाँ, पिज्जा जो है ना इनका वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, एक्सट्रीम है। वो आप कह लेंगे जैसे आप खाते हैं पिज्जा हट या एक्सप्रेस से खाते हैं ना, तो उस टक्कर का है। इनका शेफ भी वहीं का है। असल में ये जो पिज्जा के जो यहाँ पे शेफ है ना, वो कैलिफोर्निया और पिज्जा हट के मुकाबले पे, देखिए इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स भी अगर आप देखें ना पिज्जा के, आपने देखे होंगे उसके अंदर, मतलब जो इंग्रेडिएंट्स ये यूज कर रहे हैं तो वो वाकई में क्वालिटी है, उसकी वजह से टेस्ट बिल्डअप ज्यादा हो रहा है। बाकी सिंगर ये कि एवरेज है, मैक्सिकन सैंडविच है, ठीक है वो भी नॉट बैड, बट ये एनवायरमेंट वगैरह आपको मिल रहा है सारी चीजें तो इतने में आप और क्या लेगा बंदा। डील खत्म होने वाली 14 अगस्त पे। हाँ, ये तो लाजमी की बात है। कितना टाइम हो गया आपको खड़े हुए? मुझे तो हो गया है तकरीबन हाफ एन आवर तो हो गया होगा। हाफ एन आवर हो चुका है माशाल्लाह। और कहाँ से आए वैसे आप? हम वैसे तो करंगी से आए हुए। ओए माशाल्लाह, इतनी दूर से यहाँ पे आए आप? बस फर्स्ट टाइम विजिट करने आए, क्योंकि देखा था तो सोचा कि चलो फूड ट्राई करते हैं, लेकिन इतनी देर खड़े हुए। कहाँ देखा आपने? फेसबुक पे। फेसबुक पे किसके, कौन से पेज पे? अपने हस्बैंड के। मैं जो पूछना चाह रहा हूँ वो अल्फाज नहीं है मेरे पास, बड़ा सदमा हुआ मुझे। अच्छा, क्या खाने के लिए आप आई, क्या आपको अच्छा लगता है? तो हमें पहले सीट तो मिल जाए। तो डील देखी होगी ना, कोई वीडियो में आपने डील देखी होगी, ये डील मिल गई, क्या है? किसने बनाई थी वीडियो? ये एक्चुअली वो वीडियो बेसिकली मैंने देखा नहीं, मेरे हस्बैंड ने देखी, वो नहीं देखी, वो चाचू के पास। तो जानना था मुझे, मतलब नहीं पता ना वीडियो किसने बनाई है, गुड हो गया। इनको पता नहीं है वीडियो किसने बनाई है, जाके देखिएगा वीडियो बनाई किसने है और क्यों बनाई है, पूछिएगा उससे ही क्यों बनाई है, अब इतना रश था ऐसे ही ना। बिल्कुल गलत बात है, मतलब नहीं बनानी चाहिए ना ऐसी वीडियो, बोलेंगे उस बंदी के बारे में कुछ बोलना चाहिए। अच्छा क्या, और वीडियो बनाई इन्होंने, देखे इन्होंने वीडियो बनाई तो हमने देखा और हम विजिट के लिए आए ना, मैडम कैसे आते हैं हम? फिर भी ना देखें आप इतनी देर से खड़ी हैं, अच्छा ही लग रहा है। नहीं है सर, बिल्कुल पक्का, मतलब कुछ तो बोले ना, मैं चाहता हूँ बंदे ने बिला वाले वीडियो बना दिया। नहीं नहीं, मैं उनकी तारीफ तो कर रही हूँ कि बहुत अच्छा है उन्होंने जो वीडियो बनाई। हम हकाइक दिखा रहे हैं यहाँ पे, जो है हमने छापा मारा है और हम हकाइक दिखा रहे हैं लोगों को, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, लोग कितना वेट कर रहे हैं, कितना जो है वो सर्विस थोड़ी सी स्लो चल रही है अभी, ये कुछ ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसा तो लगा है कि सर्विस स्लो है, लेकिन कोई इशू नहीं है, कुछ बोलने ही नहीं उस बंदे के बारे में। हालांकि ऐसे मजे की बात बताऊँ, वो बंदा मैं ही था। अच्छा, एक माशाल्लाह से यहाँ पे बैठे हैं पूरी फैमिली और यहाँ पे लगे हैं तख्त। अच्छा, तख्त का सिस्टम था नहीं यहाँ पे, अभी फैमिली कैसे बढ़ाया क्योंकि सेटअप जो है वो थोड़ा सिटिंग एरिया का बहुत इशू है यहाँ पे, और उसके बाद फिर अभी यहाँ पे एडजस्टमेंट किया है और यहाँ पे बैठे हैं भाई। इन्होंने कितनी देर में कब तक खाया है, बात करते हैं, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? मज़े में। ये बताएं कितना टाइम लगा आपको ये सब टाइम लगाने में? अराउंड 45 मिनट्स तो लग गए, लेकिन ये बहुत अच्छा है कि इन्होंने स्पेशली हमारे लिए सेटअप लगाया, क्योंकि स्पेस हमारे पास नहीं थी, आधे खड़े हुए थे आधे बैठे हुए थे, टेबल नहीं थी, तो इन्होंने स्पेशली हमारे लिए लगाया और अब हम इतना रिलैक्स होकर बैठे कि नो इशू, कोई टेंशन नहीं है, उठने की टेंशन नहीं, उठने की टेंशन नहीं। और यहाँ पे आने का सबसे बड़ा मकसद आप खुद हैं, ये आप लेके आते हैं खींच खींच के, और खींच के लाने के बाद अभी मैं इनसे चक्कर
चक्कर में हूँ कि इनसे मैं पैसे लूंगा दो कैन के, इन्होंने मुझे दो कैन खत्म करवाए। ब्रेकिंग न्यूज दे दूं आपको, गौर से सुनिएगा ये खबर कि इस वक्त जो है दो कैन वाली जो पूरी डील थी उसमें दो कैन रिमूव हो चुके हैं और विदाउट कैन आपको डील मिल रही है, यानी रेट वही है 1099 यानी 1100 रुपये की डील है आपको, लेकिन उसमें कैन नहीं मिलेंगे आपको। और बहुत अच्छी है, एक और चीज़ है कि अब आपको ये डील जो है वो 31 अगस्त तक नहीं मिलेगी, मिलेगी 14 अगस्त तक, उसके बाद ये डील टाटा बाय बाय हो रही है, ख़त्म हो रही है डील। तो उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा, वजह ये है कि बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है माशाल्लाह से क्राउड यहाँ पे होना शुरू हो चुका है, सिटिंग स्पेस का थोड़ा सा इशू हो गया है, जिसकी वजह से अच्छी बात नहीं है, कस्टमर्स आ रहे हैं वो वैसे ही जा रहे हैं, तो इसलिए इस डील को वेव ऑफ करें, 14 अगस्त को ये ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद कुछ नया आएगा इंशाल्लाह, फिर देखते हैं क्या आता है। तो खाना कैसा लगा ये बताएं, फूड क्वालिटी कैसी? प्राइस के हिसाब से मैं अगर कंपेयर करूँ बहुत ज़बरदस्त था, पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है, पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है, फर्स्ट नंबर पे पिज़्ज़ा है, सेकंड के ऊपर बर्गर है इनका, बहुत अच्छा हो गया। आइए और मज़ीद बात करते हैं, हमें शिकायत आ रही थी आपकी तरफ से कि हम आपके पास नहीं आए, हम तो आ गए आपके। जी थैंक यू सो मच। कैसा लगा ये बताएं? अच्छा लगा, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट, बच्चे हमारे खेल रहे हैं पूरे उसमें, ऐसे ही है ना जो मैंने कहा था भाई, पुरसुकून माहौल है, आराम से बंदर, बिल्कुल पुरसुकून माहौल है, बिल्कुल सही बात है, इन्होंने हमें तख्त प्रोवाइड कर दिया, ये इनका प्लस पॉइंट था, तो बहुत अच्छा लगा बैठ के। क्या चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगी यहाँ पे, जिंगर या हमें? मुझे पिज़्ज़ा अच्छा लगा और जिंगर। गुड हो गया जी, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? जी बिल्कुल, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था और जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट जो इन्होंने करी वो बहुत अच्छी लगी, बाकी पिज़्ज़ा अच्छा था। और अब ये डील जो है ऑफ हो जाएगी 14 अगस्त तक, तो कुछ इरादा है कि बीच में एक और चक्कर लगे? देखेंगे इंशाल्लाह, हो सकता एनवायरनमेंट की वजह से, अगर एनवायरनमेंट की बहुत अच्छा लगा, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल हमारे बच्चे वो देखें वो क्यों आप अच्छा। तो ये जो है माशाल्लाह यहाँ पे भाई खेल कूद में लगे पड़े हैं और बच्चों का एक स्पेस खुला चाहिए होता है ताकि वो बच्चे जो है अपनी भागम दौड़ी में लगे रहें और पेरेंट्स सुकून से बैठ के उनको बस आराम से यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो मज़ा आ रहा है। तो वो चीज़ चल रही है इस वक्त। तो वैसे क्या है, कहाँ से आए थे आप, किस एरिया से? हम लोग डिफरेंट एरिया से आए हैं, ये लोग शाह फैसल से आए, हम लोग मेट्रोविल से आए और वो सुरापुर से आए, मतलब भाई काफ़ी डिफरेंट एरिया से यहाँ पे जो है माशाल्लाह आ रहे हैं लोग। तो कितना आपने टाइम लगाया, कितना इंतजार किया था आपने यहाँ पे फूड के लिए? हाल से वही 40-45 मिनट्स में। हाँ बिल्कुल, खुशकिस्मत हैं आप लोग। भाई कब से बैठे हैं आप? हो गया एक घंटा होने वाला है यहाँ पे बैठे बैठे, एक घंटा होने वाला है बस। बस क्या करें रशीद है ना, आपने इतनी अच्छी अच्छी डीलें निकालते हैं कि रेस्टोरेंट वाला खुद परेशान हो जाता है, कस्टमरों को डील कैसे करूँ। अच्छा डील 14 अगस्त को खत्म हो रही है, भी आपको बता दूँ ब्रेकिंग न्यूज आ गई। हाँ फिर 31st ही, पर कस्टमर देख के रश देख के उनसे लोड इतना हैंडल नहीं हो रहा, तो उन्होंने 14 अगस्त पे ही खत्म करने का फैसला कर दिया है। अभी भी कह रहे हैं कि एक घंटा और लगेगा, पर मैं सिर्फ आपकी वीडियो देख के आया हूँ, तो एक घंटा भी कुछ भी नहीं है भाई, ये मोहब्बत है भाई आपकी, आपने इतना बोल दिया। तो आज हम सिर्फ यहाँ पे आए थे कि हम यहाँ पे देखें क्या सूरत हाल चली है, और बहुत ही नाजुक सूरत हाल चल रही है। उसके बाद फिर ये है कि सिटिंग एरिया का थोड़ा सा इशू था जो कि अभी भी चल रहा है, लेकिन पैसों के हिसाब से क्वालिटी के हिसाब से हर चीज़ मैंने आपको सुनवा दी है यहाँ पे। और ये एक और आपको चीज़ बता दूँ कि ये डील जो अभी आपको निकाल के दी गई थी पल्की रेस्टोरेंट के वाले से, ये डील खत्म होने जा रही है और 14 अगस्त पे ये डील खत्म हो जाएगी, यानी 14 अगस्त तक ये डील है, आप इसको एंजॉय करें। और इसमें से जो है वो दो कैन रिमूव कर दिए गए, जो कि यहाँ पे अपडेट मेरे पास आई थी, इसी बिहाफ से मैं यहाँ पे आया था, लोगों से बात हुई है और वो चीज़ बाकी वैलिड है कि दो कैन इसमें नहीं मिलेंगे आपको और पूरी डील आपको मिल जाएगी बाकी। उसके अलावा जो है 14 अगस्त तक चलेगी, 31 अगस्त तक नहीं जाएगी, यानी 14 अगस्त को ये डील खत्म हो जाएगी और सिर्फ डाइन इन मिलेगा आपको, उसके अलावा टेक अवे भी नहीं मिल पा रहा, ना ही आपको जो है वो आप यहाँ से कुछ लेके जा पाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे इस वक्त चल रही है, बहुत कशीदगी हो गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा माशाल्लाह रश चल रहा है और वो आप देख चुके हैं, लोग काफी वेट कर रहे हैं, वेट करने के बाद फिर जो है वो, क्योंकि एक ऑर्डर को जो है सर्व करने में एटलीस्ट यहाँ पे 30 मिनट लग रहे हैं, तो 30 मिनट के बाद जो है वो टेबल सर्व हो रही है, तो उसमें टाइम लग रहा है। तो बहरहाल आपको बताना दिखाना मकसद यही था कि आप अगर यहाँ पे आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम एनवायरमेंट आप सुन चुके हैं, देख चुके हैं, फूड क्वालिटी के हवाले से भी आप सुन चुके हैं, उम्मीद है कि अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहें तो किसी नॉर्मल डेज के साथ लाइक मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे आप इसमें आ सकते हैं। और एज यूजुअल मुझे दीजिए इजाजत इस अपने पन के साथ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक भी करें, सब्सक्राइब भी करें ताकि मैं आपको ऐसी रश भरी जगह पे लेके आ सकूं। मुझे दीजिए इजाज़त, खुश रहें, खुशियां बांटें, अल्लाह हाफिज़।